हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9, जो कि पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नोबल गैस ग्रुप 18, जो कि लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है इसके अंदर। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ने को बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो क्या क्या बातें हैं जो हमें इसके अंदर समझनी है? इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इसकी तीन मेन चीजें आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ जीनोन कंपाउंड। जीनोन कंपाउंड पूरे नोबल गैस में, जीनोन एक ऐसा कंपाउंड है, जीनोन एक ऐसा एटम है, या कह लो कि जीनोन ही एक ऐसी नोबल गैस है जो कि क्या बनाती है, रिएक्ट करती है और कंपाउंड बना सकती है। जीनोन के फ्लोराइड कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जीनोन फ्लोराइड कंपाउंड बनाता है और जीनोन ऑक्सीजन के साथ मिलकर उस ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है। तो तीन तरह के कंपाउंड हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और यही तीन दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमारे पास यहां पर? ऑल एलिमेंट्स आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। ये ऑल एलिमेंट किसके लिए जिक्र हुआ है? ये ऑल एलिमेंट बात कर रहा है ग्रुप नंबर 18 की, यानी कि नोबल गैस की बातें चल रही है। ओके, किसकी बातें चल रही है? नोबल गैस की बातें चल रही है, ग्रुप 18 की बात चल रही है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं यहां पर ये क्या बोल रहा है कि ग्रुप 18 की, यानी कि जो सारे एलिमेंट है वो क्या है? गैसेस हैं एंड केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। मेरे ख्याल से क्लास 11th में जान गए थे क्यों होते हैं केमिकली अनरिएक्टिव। इनका ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है ना। वैलेंस शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? फुल्ली फिल्ड हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको नहीं चाहिए या नहीं निकालना चाहते हैं कि स्टेबल हो चुके हों। ऑलरेडी क्या है? ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। ये क्या है? पहले से ही क्या है? वेल स्टेबल है, तो इनको और स्टेबल होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या होते हैं? हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। व्हाई आर द एलिमेंट ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस? नोबल मतलब जो रिएक्ट ना करे, जो कि अनरिएक्टिव। तो दोनों का आंसर सेम है, इसीलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखा है। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप 18 क्या है? जो हमारे पास ग्रुप 18 है वो क्या है? अनरिएक्टिव है। उसके अनरिएक्टिव होने की वजह क्या है वो हम लोगों को पता है, बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ऑक्टेट पूरा है, चाहे ऐसे समझ लो कि उसका ऑक्टेट पूरा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। किसी भी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, वो रिएक्ट नहीं करना चाहता। जैसे कि सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करना चाहता है? अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, या क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो ये ऑलरेडी इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट हीलियम। पता है ना, हीलियम में केवल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं और वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, सब पढ़ा हुआ 11th में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, उसकी रिएक्टिविटी को लेकर के था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 18। तो देखो पी ब्लॉक का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था? हम लोगों ने सीखा था NH2 NP 1 से 6। तो ये कौन सा है मेरे पास? ग्रुप नंबर 18, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 है, तो इसका क्या होने वाला है? NH2 एंड NP6। ये क्या हो जाएगा? इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, कंपाउंड ले लें, यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स ले लें, अगर सबसे ऊपर कौन है? हीलियम है ना, याद है ना, हीना नीना और करीना की जीरोक्स रानी, इसका तो होता है क्या? सिंपल सा NH2 है, अदरवाइज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है NH2 और NP6। ये मेरा कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 2 है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? एक्चुअली यहाँ लिखा जाएगा 2H2 एंड 2P6।
ये थर्ड पीरियड है तो क्या हो जाएगा 3s2 and 3p6। ये फिर से याद दिला रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है केवल। कौन सी इलेक्ट्रॉन है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ मैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये थर्ड पीरियड में है, देन ये फोर्थ पीरियड में है तो क्या हो जाएगा 4s2 and 4p6। ये फिफ्थ पीरियड में है तो 5s2 and 5p6। ये सिक्स्थ पीरियड में है तो 6s2 and 6p6। इस टाइप से हमारी क्या चलेगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। तो इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? अगला सवाल कह रहा है वाई ग्रुप 18 हैज, तीन सवाल है यहां पर, इनएक्टिव इन नेचर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है प्लस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि रिएक्ट नहीं करते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा हो रखा है, ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। फिर ये कह रहा है ये होना चाहिए था एक्चुअली बी, एंड ये होना चाहिए था सी, एंड ये डी है, ठीक है। हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होने की वजह क्या होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, पता है ना, जिनका ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर किसकी, नियॉन के ले लेते हैं समझने के लिए, नियॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6। तो देखो यहां पे जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है इसके वो क्या हो रखे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्बिटल्स कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। फुल्ली फिल्ड क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। और पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तब कहीं जाकर के इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है। लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखो सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, नहीं चाहते। जो ग्रुप 17 वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते थे ताकि अपने आप को स्टेबल कर लें, तो अपने अंदर से एनर्जी निकाल देते थे ताकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कम से कम लगे, ये लेना ही नहीं चाहते हैं। जबरदस्ती करोगे अगर, सिंपल सी बात है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां घुसाने की कोशिश करोगे तो भैया देखो क्या होने वाला है। घुसाने की कोशिश करो, दो बातें हैं, पहली बात तो इसकी स्टेबिलिटी टूटेगी, तोड़ना नहीं चाहता ये, दूसरा रिपल्सन काफी ज्यादा है, तो हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। कैसी हो जाती है? पॉजिटिव, यानी कि एनर्जी देनी पड़ रही है। जो एनर्जी अपने आप निकालता है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होती है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बात समझ में आ रही है, जैसे ग्रुप नंबर 17 में होता है। डी पॉइंट बोल रहा है ग्रुप 18 हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे कि हीलियम की बात करें तो 4.2 केल्विन, कन्वर्ट कर सकते हो उसे सेल्सियस में, माइनस में चला जाएगा, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, और हीलियम का तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा कम है। इसका आंसर क्या है? एक तो ये मोनोएटॉमिक होते हैं, है ना, रिएक्ट करते हैं नहीं तो सिंगल ही रहते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं, स्टेबल है, जिसकी वजह से इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11th में, याद होगा थोड़ा सा, तो डिस्पर्जन फोर्सेज जो होती हैं, वीकेस्ट फोर्स हैं, केवल यही इनके बीच में एग्जिस्ट करती हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज। इसमें हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एटम क्या है, न्यूट्रल है, प्लस और माइनस, चलते 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 अचानक से कभी अगर हिलते डुलते प्लस माइनस हो गया तो दूसरा एक एटम प्लस माइनस इससे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, और ये फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, वीक होती हैं, इसी वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी कम है, बहुत जल्दी ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई, क्लियर है? तो याद रखेंगे वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नील बार्टलेट, इन्होंने क्या किया था, ज़ीनोन कंपाउंड डिस्कवर किया,
जिन्होंने के कंपाउंड डिस्कवर किया। अब जरा इनकी वो देखते हैं हिस्ट्री, काफी मजेदार है। सीक्वेंस क्या था इवेंट का, इवेंट का सीक्वेंस देखते हैं हम लोग कि क्या था इवेंट का सीक्वेंस। हमारे पास सबसे पहले इन्होंने क्या प्रिपेयर किया, एक कंपाउंड प्रिपेयर किया PTFE6 के साथ, O2 को मिलाया, किसको मिलाया, ठीक है ना, प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड। इन्होंने क्या किया, O2 लिया और साथ में PTFE6 को मिला दिया और यहां से ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। फिर इनके दिमाग में एक बात आई, इन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना O2, भाई रिएक्ट करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ेगा, तो यहां पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी गई ऑक्सीजन की वो 1175 किलो जूल थी। उसने देखा जिनोन की 1170 है, काफी क्लोज है, तो कायदे में तो इतनी एनर्जी में इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल जाना चाहिए, भले ही ये नोवा लो, इतनी एनर्जी चाहिए इसको, और इसका इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इसको रिएक्ट कर जाना चाहिए। उसने अपना दिमाग लगाया और इस बार उसने क्या कर दिया, जिनोन को रिएक्ट करवा दिया किससे, PTFE6 से, और देखते देखते कंपाउंड बन गया जिनोन PTFE6, और ये एक मजेदार चीज हो गई, ठीक है ना, कि नोबल गैस भी रिएक्ट करते हैं, यानी कि अब तो हम पढ़ते आ रहे थे नोबल गैस रिएक्ट नहीं करते, किसी टाइप का कोई कंपाउंड नहीं बनाते, और नील बार्टलेट ने ये सारी बातें एक तरफ करके हुए कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया। रीजन क्या था, रिएक्ट कर गया क्योंकि उसकी जिस एनर्जी से O2 रिएक्ट कर रहा था उसी उतनी एनर्जी चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए, एक दिमाग लगाया उसने, और यहां पर क्या हो गया हमारे पास, हमने देखा कि नील बार्टलेट ने कंपाउंड को बना लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से बोर्ड में, चलें आगे, क्लियर है सीक्वेंस कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। पहले उसने O2 को कंपाउंड प्रिपेयर किया, फिर उसने क्या देखा, O2 और जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है ऑलमोस्ट बराबर है, अगर उतनी एनर्जी वो इसको दे दे तो भी इसको भी रिएक्ट कर देना चाहिए, और उसने वही काम किया, उतनी एनर्जी उसको दी और रिएक्ट करवा दिया, और यहां पर क्या हो गया, कंपाउंड बन के तैयार हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग, फिर उसने कुछ और चीजें देखी, उनने कहा कि चलो अगर वही बात है कि OF के साथ रिएक्ट करता है तो चलो इसको भी रिएक्ट कराते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि नोबल गैस है। तो देखो अगर यहां पर हम लोग एक चीज को कैसे याद रखेंगे, जिनोन एक्सेस, जिनोन 1:5, जिनोन 1:20। अब कुछ बच्चे इसको रटने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बात है याद ही करना पड़ेगा कि एक्सेस में ये वैल्यू आएगी, आंसर लिखा नहीं मैंने अभी, अब देखो होगा क्या, जरा एक तो अगर रेशो के हिसाब से याद करोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, अगर डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हो कैसे, देखो इसका आंसर क्या होगा, एक्सेस है, एक्सेस को भूल जाओ, अगर F2 है तो XeF2, अगर जिनोन 2F2 एंड 2 2 4 XeF4, जिनोन 3 2 6 XeF6, क्लियर हुई बात है। तो है ना, इनऑर्गेनिक को पढ़ना तो है, देखो रटने वाली चीज है कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर कहीं पे कोई लिंकअप मिल जाता है, जो बच्चा रेशो के हिसाब से याद करेगा तो रेशो गड़बड़ कर सकता है, बट ये चीज गड़बड़ नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर ये चीज लैंग्वेज फॉर्म में आ जाती है, व्हेन वी रिएक्ट जिनोन विद फ्लोरीन इन 1:5, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 90% केस यही है कि तुमको एग्जाम में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलने वाला है, बात समझ में आ रही है, इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो जो जिनोन XeF6 होता है, ठीक है ना, उसको बनाने का एक तरीका और होता है कि XeF4 को हम O2F2 के साथ रिएक्ट करा दें तो हमको अगेन क्या मिल जाता है, XeF6 मिल जाता है, बात समझ में आई, ठीक है ना। याद करना है, लर्न करना है, कह लो रटना है, लेकिन रटने का भी तरीका है, बिल्कुल गधों जैसे काम नहीं करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, थोड़ा सा एक बार ये भी देख लेना है कि ये सब गैस है, इधर पे क्या है, सब गैस है, ठीक है ना, और इधर हमको क्या मिल रहा है, हर चीज सॉलिड फॉर्म में मिल रही है, क्या मिल रही है, सॉलिड फॉर्म में मिल रही है हर चीज, ये थोड़ा सा एक बार देख लेना है। व्हाट हैपन व्हेन XeF2 रिएक्ट विद वाटर, तो देखो ऐसा होता है पानी के साथ ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज कर जाता है, जो XeF2 है, ठीक है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करके खटाक से फ्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन को एक F दे देगा, खुद खाली हो जाएगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल आता है, तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, यानी कि यहां पर क्या करेगा, हाइड्रोजन को फ्लोरीन दे करके उसको फ्लोरिनेट कर देगा, और थोड़ा सा ही पानी होगा ना, थोड़ा सा भी, उससे भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये पानी वाला किस्सा अभी हम और देखेंगे आगे, और रिएक्शन में आने वाला है कि इसका पानी वाला किस्सा यहां खत्म नहीं होता, अभी यहां पर केवल XeF2 को मिलाया हमने, अभी XeF4 XeF6 बचा हुआ है, उसको भी पानी से रिएक्ट कराएंगे, थोड़ा सा आगे चल के रिएक्ट कराएंगे। NCERT ले ली ना, हाँ, इसीलिए मैं बिल्कुल NCERT के हिसाब से चल रहा हूं, बुक उठा लो,
लाइन टू लाइन करते चलोगे तो सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ये। और तुम लोग जो डायरेक्ट रटते हो ना कि लाइन टू लाइन बैठ करके उसमें, उससे जल्दी याद नहीं होगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। क्लियर हो गया? पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ये, ठीक है ना। और क्या है ये, एक वर्ड याद रखोगे, पावरफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लियर होगी बात? ओके, पीछे हमने देखे कि कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ एक खास टाइप के कंपाउंड क्या क्या बनाते हैं। HCF2 बनाएगा, HCF4 बनाएगा, HCF6 बनाएगा, HCO4 बनाएगा, HCO3 बनाएगा। इनका स्ट्रक्चर ये देख रहे हो, स्ट्रक्चर ये किस तरह बना हुआ है ना, इस तरह से HCF मतलब यहां पर ये ना करते हुए हम यहां पे इस तरह से बना देंगे इसको। ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लेना, स्ट्रक्चर पूछे आएंगे ऑब्जेक्टिव में, बहुत आता है ये। ये IIT और नीट वगैरह में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये इसमें 8-10 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है? एक तो इनका स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसा है, लीनियर है। हमें कंपाउंड देखने हैं, लोन पेयर से मतलब नहीं है, हमें क्या देखने हैं, कौन कौन से एटम का किस सीक्वेंस में लगा हुआ है। HCF4 चार जगह लगा हुआ है, दो लोन पेयर ऊपर नीचे हैं, तो ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लैनर हो गया, ठीक है। HCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, कैसा हो गया ये, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। HCF4 स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा। और लास्ट में आता है HCO3, इसका शेप कैसा है, पिरामिडल शेप है, दिख भी रहा है ये इस टाइप से, है ना, ये पिरामिड का शेप बन गया है, तो ठीक है। तो ये यहां पे तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और IMP है, क्वेश्चन आ रहा है इस बार एग्जाम में, फिर कह रहा हूं IMP है एग्जाम में, क्वेश्चन इससे आ रहा है। क्लियर है? चलें आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा, अब जो ये है HCF2 HCF4 HCF6, ये फ्लोरीन, देखो यहां पर क्या है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड है, और ये मेटल फ्लोराइड है। मेटल में सोडियम पोटेशियम रुबिडियम चीजें है ना, हीना नीना रब से पर यार, ठीक है ना, याद कर सकते हो। सोडियम मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट है ये। एक मिनट, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है मेरे पास। क्लियर है? ठीक है, तो इनसे हम जब इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या मिलेगा, SBF5 से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, और PF5 से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, NCERT में देख रहे होगे अगर, तो NCERT में तुमको दिख गया होगा ये, ठीक है ना। लाओ देखें क्या क्या मिल रहा है, यहां थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आयनिक फॉर्मेट में ब्रेक कर जाता है, क्या कर जाता है, ये आयनिक फॉर्मेट में ब्रेक कर जाएगा। एक F यहां से यहां ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, HCF+ और PF6। एक F यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, HCF3 SBF6, और ये क्या है, HCF7। एक F यहां से इस बार यहां ट्रांसफर हो गया, तो सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब तुम रटते बैठते, अच्छा HCF से F पे प्लस माइनस, जो राइट साइड वाला है जिसके पास जा रहा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, जिसके पास छोड़ के जा रहा है वो पॉजिटिव। F अपने साथ जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा, तो सिंपल हो गया याद करना। जब फ्लोरीन यहां से यहां जाएगा तो PF6 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और हमको पता है जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है तो नेगेटिव इस तरफ होता है, पॉजिटिव इस तरफ होता है, A+ B नेगेटिव, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो उम्मीद है अब ये जो तुम्हें बहुत भारी सा लग रहा होगा याद करना, ये याद करना तुम्हारे लिए काफी आसान हो गया, किस तरह सीक्वेंस में इसको पकड़ना है। रिएक्शन देखो कहीं से भी आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो मैंने कहा था ना वाटर की हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, तो वो HCF2 के साथ थी, यहां पर हम लोग HCF4 और HCF6 की बात करने वाले हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी कि यहां पे वाटर पर्याप्त मात्रा में है तो वो उसको क्या कर देगा, पूरी तरह से तोड़ देगा। यहां देखो वाटर की कमी है तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है, और इसके आगे एक बात लिख रखी है, दीज रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। समझेंगे इसको भी समझेंगे कि ये क्या चीज कहना चाह रहा है, कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है। तो HCF4 जब 12H2 के साथ मिलता है तो क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे फ्लोरीन, हमने क्या बताया, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, तो इसको क्या दे देगा, फ्लोरीन दे देगा। ऑक्सीजन गैस वहां पर बाहर निकल रही थी, और साथ में एक चीज और निकली, HCO3। ये चीजें अगर तुम नोटिस करोगे, ये देखो कहां गए,
ये देखो एक्सी एच एफ ओ टू, फिर कह रहा हूं ये बैलेंसिंग वाला काम मत किया करो, बैलेंसिंग वाला काम साथ में लेकर चलोगे तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगी, चार एच एफ निकल रहा है कितने निकल? हाँ, हमको मेन कंपाउंड देखने हैं, एक्सी निकला एच एफ निकला और ओ एफ ओ टू निकला, ये याद करने पर से बता रहा हूं। अब यहां पर भी आते हैं हम लोग, ठीक है, यहां देखो क्या है हमारे पास, एक्सी निकला एच एफ निकला और ओ टू निकला, एक चीज और निकली एक्सी ओ थ्री, ठीक है ना, यहां देखो क्या निकल रहा है, यहां एच एफ निकल रहा है और एक्सी ओ थ्री निकल रहा है, तो हमारे लिए क्या है चीजों को पकड़ना आसान हो जाएगा, एक्सी एफ फोर में एक्सी एफ टू की जैसी चीजें निकल रही है और साथ में एक्सी ओ थ्री निकल रहा है, एक्सी एफ सिक्स में एच एफ तो निकलेगा क्योंकि फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, साथ में एक्सी ओ थ्री निकल रहा है, ओ टू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आगे आते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, यहां देखो क्या हो रहा है, फ्लोरिनेटिंग है तो एच एफ तो देगा ही देगा, एच एफ तो देगा ही देगा, बट एफ सिक्स के केस में एक्सी ओ फोर और अगेन एक्सी एफ सिक्स, जहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा रखा है वहां पर एक्स ई ओ टू एफ टू, ये थोड़ा सा यहां पर लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में यहां पर स्पेशली मेंशन कर दिया है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, वो क्वेश्चन को लिख करके दे देगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है व्हेन एक्सी एफ सिक्स अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस विद वाटर। अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये रिएक्शन है कि ये रिएक्शन है कि ये रिएक्शन है, बात समझ में आ रही है, इसीलिए इसको दिमाग में रखना है। अब मैंने कहा कि दिस रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रिडॉक्स नहीं है, क्यों भैया रिडॉक्स क्यों नहीं है, आओ देखते हैं, ठीक है, रिडॉक्स क्यों नहीं है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग जरा। ये देखो जरा यहां पर अगर हम गौर से देखें, एक्सी का ये क्या है, ये तो माइनस वन होता है, तो एक्सी की ऑक्सीजन नंबर कितनी हो जाएगी, प्लस का सिक्स, यहां आए तो इसका कितना होता है माइनस का टू, ठीक है ना, क्या है ये माइनस का टू है, और यहां पर कितना है ये देखते हैं जरा, यहां पर एक मिनट आई बता रहा मैं इसको, यहां पर टू फोर या एट, थोड़ा सा यहां पर टू थ्री या सिक्स, ये एक्सी ओ थ्री, सॉरी ये गलत हो गया है, ये यहां पर होना चाहिए, ये यहां पर क्या होगा थ्री होगा, ये क्या होगा ये टू टू थ्री या सिक्स, तो यहां कितना आ जाएगा प्लस सिक्स आ जाएगा, ठीक है ना, वहां पर फोर लिख गया है गलत है वो, और यहां पर देखो क्या है इसका माइनस का टू, टू टू या फोर और माइनस का वन, टू वन या टू, कितना आ गया इसका प्लस का सिक्स, अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, क्लियर है, और एच एफ एच एफ तो है, देखो यहां पर प्लस सिक्स और यहां पर प्लस सिक्स, दोनों जगह प्लस सिक्स में है, तो इसीलिए इसका ऑक्सीजन नंबर तो चेंज हुआ नहीं, जब ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हुआ है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बात क्लियर हुई, क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बात समझ में आई, यहां पर किसी भी टाइप का ऑक्सीजन नंबर में कोई चेंज नहीं है, और ये रिएक्शन फिर बता रहा हूं अगेन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएंगे, आगे चलते हैं, राइट डाउन द यूजेस ऑफ, ओके राइट डाउन द यूजेस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट, ठीक है, यहां पर हीलियम है तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो क्या क्या है, बैलून में फिल करते हैं मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, गैस कूल न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी कम है, ठंडा रहता है, तो क्रायोजेनिक एजेंट ठंडा रखने के लिए काम में आता है, तो इसलिए कई सारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि काफी लो टेम्परेचर पर किए जाते हैं। नियॉन की बात करें तो यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, फ्लोरोसेंट बल्ब क्या होता है, इसको तुम लोग क्या करते हो डिटेल में जाके यूट्यूब वगैरह पे गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि अगर इनको पूरा समझाने लगा तो ऑलरेडी यहां पर आधा घंटा लग जाएगा, तो सिर्फ समझ लो कि इसका इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप 18 काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तुम्हें एक झलक देख लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज कहां पर दे रखी है, बात समझ में आ रही है, और ये लेक्चर यहां खत्म हो जाता है, 11 ही क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो इस तरीके से 9 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया है, पूरी इनऑर्गेनिक को अपने फिनिश कर दिया है, उम्मीद करता हूं अगर सीक्वेंस में लेक्चर सारे देखे होंगे तो इनऑर्गेनिक अब काफी आसान लगने लगी होगी तुम लोगों को, चीजें रटने वाली काफी हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा बार देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिएक्शन बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कहूंगा पढ़ते रहोगे मेहनत करोगे, यानी कि बार बार रिवाइज करोगे, है ना, बार बार क्या करोगे रिवाइज, देखो एक सफलता का एक मूल मंत्र हर कोई देता है, मैं ही बता दूं क्या चीज है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, लाइफ में
यहीं पर ही नहीं, पढ़ाई में ही नहीं, पढ़ाई में ही नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर भी लाइफ में इसको ना कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं सीधी सी एक बात बताता हूं, रिवीजन ही है सिलेक्शन। ये बात समझ में आ रही है? रिवीजन ही है सिलेक्शन। लाइफ में अगर कोई अच्छी अचीवमेंट करनी है, कहीं पे कोई सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन का मतलब यहां पर कोई एग्जाम नहीं है, सिलेक्शन का मतलब एनीथिंग, ठीक है ना। लाइफ में बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छा टीचर बनना है, कुछ ही बनना है। तो बार बार जब रिवीजन, और यहां पर रिवीजन का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्लोगन चेंज हो गया बस, रिवीजन मतलब प्रैक्टिस। रिवीजन का मतलब क्या है? प्रैक्टिस है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी चीज है लाइफ में वो तुमसे बचेगी नहीं, तुम्हारे कदमों में आके गिर पड़ने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, पी ब्लॉक कह सकते हो, थोड़ा सा रटने वाला पार्ट है, बच्चों को टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ो और देखो उसमें क्या चीजें हैं, तो वो चीज तुमको टफ नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसको अपना मूल मंत्र बना लो, रिवीजन ही है सिलेक्शन, और लाइफ में किसी भी चीज के लिए तुमको कोई रोकेगा नहीं, हर चीज में लाइफ में तुम अपना सिलेक्शन ले लोगे, चाहे वो एग्जाम हो या कोई भी और चीज हो। क्लियर है? ठीक है, रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।